दोस्तों एक और मॉन्स्टर स्मार्टफोन आ चुका है एंड ये फोन है सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फोन। और जितने भी सैमसंग के फोन्स होते हैं वो हमेशा अच्छे कैमरे के लिए, अच्छे डिस्प्ले के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार का जो ये सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फोन है ये वैल्यू फॉर मनी फोन के लिए जाना जाएगा। और इसकी जो प्राइसिंग होने वाली है वो आपको 15,000 से लेकर 18,000 के बीच में यहाँ पे आपको मिलने वाली है, लेकिन इसके अंदर आपको M34 से अपग्रेडेशन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं, बट उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है आपके लिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं इसके डिजाइन एंड लुक की बात करूं तो जो सैमसंग का सिग्नेचर डिजाइन है जो आपको ऑलमोस्ट सारे ही फोन्स के अंदर देखने को मिलता है, वैसे ही आपको ये वाले फोन में भी सेम डिजाइन देखने को मिलता है। 3 कैमरा मॉड्यूल है। हाँ, बट मैं ये चीज जरूर बोलने वाली हूँ कि ये जो फोन है दिखने में थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा हैवियर साइड में भी है, जस्ट बिकॉज इसके अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। तो ऑब्वियसली बात है अगर आपको एक बिग बैटरी वाला फोन मिल रहा है तो फोन भी थोड़ा हैवियर साइड में होने वाला है। बाकी जो इसका डिजाइन है वो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा सा सिमिलर लगने वाला है, बट यहाँ पे ये फोन आपको 3 कलर्स में मिलने वाले हैं। एक है डार्क ब्लू, दूसरा है लाइट ब्लू एंड तीसरा है ग्रे, एंड ये तीनों ही कलर्स काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी फ्रंट डिस्प्ले की। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में 6.6 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है जो वर्क करती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे, 1000 निट्स की पिक ब्राइटनेस है, 83.8% का आपको यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन वाला डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन ये चीज है कि आपको यहाँ पे 1000 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिल रही है, दैट मीन्स अगर आप इनडोर एंड आउटडोर अपना ये फोन यूज कर रहे हैं तो जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल सफिशियंट है, एंड यहाँ पे आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस होने वाला है वो कमाल का होने वाला है। लेकिन ये जो बेजल्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे वो आपको थोड़े एवरेज साइज में देखने वाले हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है जो इस बार चेंज हुई है जो ये है कि M34 में वहां पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिला था, लेकिन इस बार वो हटके यहाँ पे हो चुका है, सेंटर पंच होल डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे ये चेंजेस आप डिस्प्ले में जरूर देख पाएंगे। बाकी यहाँ पे आप जो कॉन्टेंट कंज्यूम करेंगे, जो कलर आपको दिखने वाले हैं वो काफी अच्छे दिखने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सैमसंग के फोन में आपको डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। सो बात करते हैं यहाँ पे इस फोन की परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के लिए इस फोन के अंदर आपको मिलता है एग्जनोस का 1380 वाला आपको यहाँ पे प्रोसेसर मिल रहा है जो वर्क करता है 5nm के चिपसेट पे, और इस प्रोसेसर का जो अंतुतु स्कोर है वो आपको 6 लाख प्लस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के लिए एक अच्छा स्कोर है, जिसमें आप BGMI भी 40-50 FPS पे आप आराम से खेल सकते हैं। ग्राफिक्स काफी आपको यहाँ पे अच्छे दिखने वाले हैं, कोई भी लैग एंड ड्रॉप का इशू आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस के मामले में भी ये फोन काफी ज्यादा अच्छा है। बाकी इसके अलावा आप नॉर्मल गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बोलूंगी कि यहाँ पे आपको एक पावरफुल प्रोसेसर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्लस अगर आप यहाँ पे थोड़ा एक्सेस गेमिंग भी करते हैं जो आपका फोन है वो हीट नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको वेपर कूलिंग चैम्बर का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। प्लस यहाँ पे अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो 6000 mAh की बैटरी मिलती है जो सपोर्ट करती है 25W के चार्जिंग स्पीड को। ये चीज मैं यहाँ जरूर बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे आपको एक बिग बैटरी का सपोर्ट तो जरूर मिल रहा है, लेकिन जो एडेप्टर है वो 25W का मिल रहा है, तो जिसकी वजह से जो चार्जिंग की स्पीड है वो थोड़ी यहाँ पे आपको कम मिलने वाली है। थोड़ा टाइम टेकन होगा जब आप अपने फोन को चार्ज करोगे, लेकिन अगर आप एक बार चार्ज करते हो दिन में तो 1 day का आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। स्पीकर की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्वालिटी है यहाँ पे जो आपका मल्टीमीडिया कंज्यूम होगा वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिल जाएगा, काफी लाउड आपको यहाँ पे स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं। ये फोन आपको 3 variant में मिलने वाला है, एक है 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरियंट, एंड दूसरा है 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरियंट, एंड तीसरा है 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरियंट। LPDDR4X रैम टाइप है एंड UFS 2.2 यहाँ पे आपका स्टोरेज टाइप मिल जाता है, और जिसकी वजह से जो ये UFS 2.2 स्टोरेज टाइप आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे जो आप मल्टीपल टास्क करना चाहते हैं जैसे कोई भी आपको एप्स ओपन करने हैं वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, कोई भी हैंग का आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सो अब बात करते हैं इस फोन के कैमरे की। तो कैमरे में भी यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है, 50MP का वाइड कैमरा जिसके अंदर OIS का सपोर्ट है, 8MP का अल्ट्रा वाइड है, 5MP का मैक्रो है जिसमें आप मेन कैमरे में 4K की वीडियोस को 30fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं,
सकते हैं एंड 1080p की वीडियोस को भी आप 30 या फिर 60 fps पे शूट कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करूं तो 13 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिलता है जहां पे आप 4K की वीडियोस को 30 fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर आप 1080p की वीडियोस को आप 30 fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। हालांकि यहां पे मैं कैमरे की बात करूं तो यहां पे आपको कैमरा भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है जिसमें आप अच्छी खासी फोटोग्राफी कर सकते हैं, चाहे आप इंडोर शूट करें आउटडोर शूट करें तो आपको फोटोज काफी अच्छे मिलने वाले हैं, यानी कि आपको क्लियरिटी मिलने वाली है, जो कलर्स हैं आपको एक्चुअल वो सेम कलर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जो स्किन टोन है वो काफी हद तक यहाँ पे आपको नेचुरल रखने वाले हैं। इसके अलावा फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको फीचर्स में फन मोड है, कैमरा मोड है, पोर्ट्रेट है, वीडियो मोड है, स्लो मोशन है, नाइट मोड है, पैरानोमा है, हाइपर लैप्स है, सिंगल टेक है, तो ये सारे फीचर्स भी है। एंड एडिशनल फीचर्स की बात करूं तो ऑब्जेक्ट इरेजर भी है, यानी कि अगर आपको बैकग्राउंड से कुछ चीज रिमूव करनी है, कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, वो भी आप इस फोन के अंदर कर सकते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि अंडर 20,000 में भी आपको ऐसे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ये बेस्ड है एंड्रॉइड 14 पे, जिसको आप वर्क करता देखोगे One UI के 6.1 पे, एंड यहाँ पे आपको 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिल रहा है एंड 5 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल रहा है, और ये चीज सैमसंग के अलावा कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये चीज बेस्ट है कि आपको एंड्रॉइड 14 तो मिल ही रहा है, तो आपको 15, 16, 17 एंड 18 आपको यहाँ पे एंड्रॉइड देखने को मिलेगा। और ये चीज भी है कि क्लीन UI एक्सपीरियंस वाला फोन है, कोई भी फालतू के ब्लॉटवेयर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, एक क्लीन सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसके अंदर आपको नॉक सिक्योरिटी है, सैमसंग वॉलेट है, NFC है, सिक्योर फोल्डर है, जिसकी वजह से आप अपने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स को भी सेफ रख सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये 5G को सपोर्ट करता है, डुअल 4G वोल्ट को सपोर्ट करता है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.3 है, NFC है, और जो चीज इसके अंदर नहीं है वो ये है कि IP की कोई भी रेटिंग इसके अंदर आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। तो बस ये चीज है जो आपको नहीं मिलती है इस फोन के अंदर, बाकी सारे फीचर्स आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलते हैं। प्राइस की बात करूं तो जिसका स्टार्टिंग प्राइस होने वाला है वो 15,999 आपको ये प्राइस मिलने वाला है, जो इसका बेस वेरिएंट है। अदरवाइज अगर आप इस पे बैंक डिस्काउंट्स वगैरह लगाते हैं तो ये फोन में भी आपको और भी कम का कॉस्ट कर जाएगा, लेकिन अगर इस प्राइस पॉइंट पे ये फोन है और जो फीचर्स आपको जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू फॉर मनी फोन मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी अच्छी मिल रही है, एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बिग बैटरी का सपोर्ट है, प्लस यहाँ पे आपको कैमरा भी काफी अच्छा मिल रहा है। तो ये ओवरऑल सारी चीजें मिलकर इस फोन को वैल्यू फॉर मनी फोन बना देती है। सो पर्सनली ये फोन मुझे इस बजट प्राइस रेंज में काफी अच्छा लगा है। सो आपको ये फोन कैसा लगा ये चीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर और क्या आप चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फोन में ये चीज भी आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी इस फोन का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर जाके वहां से चेकआउट करिए। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।